दोस्तों, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने या सुनने से क्या फायदा होता है। लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हो या सुनते हो, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमें दूसरों कहानियों से ये पता चलता है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो और लोगों ने की है और आपको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे जिनमें आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध का जीवन कठिनाइयों और संघर्ष से भरा हुआ है। उनके जीवन की यात्रा हमें काफी कुछ सिखा कर जाती है। कठिन परिश्रम और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आशा प्रदान करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे हमारा एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी है। राजकुमार सिद्धार्थ एक सुखी जीवन व्यतीत किया करते थे और उनके पास वह सब कुछ था जो एक राजकुमार के पास होना चाहिए, जैसे कि भव्य महल, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन के साधन। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उन्होंने दुनिया के दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकलने का अवसर पाकर उन्होंने पहली बार दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का साक्षात्कार किया। यह उनके लिए एक गहरा सदमा था। उन्होंने महसूस किया कि इन दुखों से कोई भी छूटा नहीं है, चाहे वह राजा हो या प्रजा। इस अनुभव ने उन्हें दुखी कर दिया और उन्होंने राजपाट त्यागने और इन दुखों के कारण जानने का प्रण ले लिया। उन्होंने वैभवपूर्ण जीवन छोड़ दिया और एक साधारण साधु का जीवन अपना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने कई वर्ष तक उन्होंने विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने गहरे ध्यान में बैठकर जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया। आखिर एक रात बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई और वह बुद्ध बन गए। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को दुखों से मुक्त का मार्ग सिखाने में लगा दिया। उन्होंने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो दुख से मुक्त का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने में मिलती है। वे हमें यह भी याद दिलाती है कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो के लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।